ये है वक्त मीडिया। शाहजहांपुर के तिलहर में तहजीबे तिलहर ने ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे तिलहर में गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने वाले नेक दिल खूबसूरत इंसान आईपीएस जनाब शिव मुरारी सहाय साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे तिलहर की इल्मी और अदबी शख्सियत जनाब बसीरुद्दीन उर्फ आमिर मियां। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में तिलहर के नौजवान शायर जनाब शमशाद आतिफ तिलहरी की किताब आखिर कलियां चटक गईं का इजरा अमल में आया। इस मौके पर कटरा के विधायक जनाब विक्रम वीर सिंह प्रिंस साहब भी मौजूद थे। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी। जनाबे सागर वारसी साहब के बाद एक और मुझे बुजुर्ग शायर का इस्तकबाल करना है आप ही के शहर के असातिज़ा की फहरिस्त में, जनाबे मुख्तार तिलहरी साहब, जो जनाबे मुख्तार तिलहरी साहब ऐसी शायरी जो अवाम को यकजा कर दे, ऐसी शायरी जो अवाम के लिए नसीहत और एक पैगाम बन जाए, ऐसी शायरी को दीनी खिदमत के करीब समझा जाता है। मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ जनाबे मुख्तार तिलहरी साहब माइक पर, हमारे फ़न की बदौलत हमें तलाश करे, मज़ा तो जब है कि शोहरत हमें तलाश करे। तालियों से अपने मकामी शायर का इस्तकबाल कीजिए जनाबे मुख्तार तिलहरी साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत निज़ामत, फेसबुक पर अक्सर व बेशतर देखने को मिल जाती है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज उनकी खूबसूरत निज़ामत में मुझे नाचीज़ को भी पढ़ने का मौका मिल रहा है। ज़र्रा नवाजिया। बड़ी खुशी होती है कि ये साल में जो आईजी साहब मुशायरे का एहतमाम करते हैं, तो इससे ये होता है कि तिलहर के जितने भी अहबाब हैं वो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं, और मैं भी इसीलिए चला आता हूँ कि आप लोगों की ज़ियारत करके अपनी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। बहरहाल ये आपकी मोहब्बतें हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बतें उम्मीद करता हूँ कि हमेशा हमेशा बरकरार रहेंगी। दीक्षित साहब अना पर कुछ शेर सुना कर गए हैं, मैं भी चाहता हूं कि दो तीन शेर पेश करूं। जनाब तवज्जो इरशाद यार। जहां पे भूख का एहसास होता है मजरूह, क्या कहने हैं वाह। जहां पे भूख का एहसास होता है मजरूह, वहां अना का परिंदा हलाल होता है। वाह वाह, वहाँ अना का परिंदा हलाल होता है। और अना से ही शुरू करता हूँ और एक बतला पेश कर रहा हूँ कि कहता हूँ कि दस्ते तलब बढ़ाते ही मौत आ गई मुझे, दस्ते तलब बढ़ाते ही मौत आ गई मुझे, अच्छा हुआ कि मेरी अना खा गई मुझे। दस्ते तलब बढ़ाते ही मौत आ गई मुझे, अच्छा हुआ कि मेरी अना खा गई मुझे, अच्छा हुआ कि मेरी अना खा गई मुझे। और किस बदनसीब जलते मकान का धुआं था मैं, किस बदनसीब जलते मकान का धुआं था मैं, ले जाके आसमां पे हवा खा गई मुझे। वाह वाह वाह, किस बदनसीब, शुक्रिया, किस बदनसीब जलते मका का धुआं था मैं, क्या कहने, ले जाके आसमां पे हवा खा गई मुझे। वाह। और ये किसकी बद्दुआ थी जो दरिया में डालकर, ये किसकी बद्दुआ थी जो दरिया में डालकर, दरिया में डालकर एक एक बूंद पानी को तरसा गई मुझे। क्या कहने, वाह। ये किसकी बद्दुआ थी जो दरिया में डालकर एक एक बूंद पानी को तरसा गई मुझे। और इसी में एक गजल का शेर भी पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए, कहता हूँ कि सूरज सितारा चांद
धनक क्या लिखूं उसे, सूरज सितारा चांद धनक क्या लिखूं उसे, ये सोच ही रहा था कि नींद आ गई मुझे। क्या के? सूरज सितारा चांद धनक क्या लिखूं उसे, क्या के? ये सोच ही रहा था कि नींद आ गई मुझे। वाह, ये सोच ही रहा था कि नींद आ गई मुझे। क्या के? और देखिए दो चार शेर पेश कर रहा हूं। कहता हूं कि दिल में उसकी याद तो है और अगर कोई नहीं, दिल में उसकी याद तो है और अगर कोई नहीं, किस तरह कह दूं कि मेरा हम सफर कोई नहीं, किस तरह कह दूं कि मेरा हम सफर कोई नहीं, और ये भी मेरी जिंदगी में हादसे होते रहे, ये भी मेरी जिंदगी में हादसे होते रहे, आहटे सुनता रहा आया मगर कोई नहीं। क्या कहने, वाह। ये भी मेरी जिंदगी में हादसे होते रहे, आहटे सुनता रहा आया मगर कोई नहीं, और गम बढ़ जाएगा उसको खिलौने मत दिखा। क्या कहने, और गम बढ़ जाएगा उसको खिलौने मत दिखा, जिसके घर नूरे नजर लखते जिगर कोई नहीं। और गम बढ़ जाएगा उसको खिलौने मत दिखा, वाह वाह, जिसके घर नूरे नजर लखते जिगर कोई नहीं। वाह वाह। लीजिए हजरात मोहतरम, एक आजाद नज्म सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुलादा फरमा ले, क्योंकि आज किसी साहब ने कोई नज्म नहीं पेश की है तो वो हक में ही अदा कर दूं। नज्म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है एहसास, और ये मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि अपने अपनी समातों को बेदार करें, इसलिए कि इसमें अगर एक भी मिसरा छूट गया तो समझ लीजिए सारी की सारी नज्म सुनना बेकार जाएगा। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ आप मुलादा फरमाएं। उन्वान क्या है? एहसास। कहता हूं कि एक एहसास, सागर साहब, एक एहसास जो मेरे दिल को रोजो शब इस्तिराब देता है, एक एहसास जो मेरे दिल को रोजो शब इस्तिराब देता है, सोचता रहता हूं कि तू क्या है। एक एहसास जो मेरे दिल को रोजो शब इस्तिराब देता है, सोचता रहता हूं कि तू क्या है, फूल है खुशबू है कि रंगत है। एक एहसास जो मेरे दिल को रोजो शब इस्तराब देता है, सोचता रहता हूं कि तू क्या है, फूल है खुशबू है कि रंगत है। फूल तुझको कहूं तो ठीक नहीं, फूल तुझको कहूं तो ठीक नहीं, समझू रंगत तुझे तो ठीक नहीं, चूंकि ये दोनों मिटने वाले हैं। फूल तुझको कहूं तो ठीक नहीं, समझू रंगत तुझे तो ठीक नहीं, चूंकि ये दोनों मिटने वाले हैं। फूल एहसास का जरिया है, फूल एहसास का जरिया है ये रंगत लिबास की मानिन। अब सवाल एक पैदा होता है, अब सवाल एक पैदा होता है, फूल है तुझ में या है फूल में तू। अब सवाल एक पैदा होता है, फूल है तुझ में या है फूल में तू, इसकी उकदा कुशाई की खातिर ज़हनो दिल पर सवार रहता है एक एहसास, बस यही एहसास। हजरत गिरामी, आप ही की बस्ती के बुजुर्ग शायर जनाबी मुख्तार तिलहरी साहब, और यहां से अब जिस मुमताज शायर का हमें इस्तकबाल करना है, फजा जमाने की किस तरह पाक साफ रहे, फजा जमाने की किस तरह पाक साफ रहे, वो चाहता है कि जहनों में इख्तिलाफ रहे। मैं चाहता ये हूँ कि आपके इंतजार इश्तियाक को लम्हे विसाल से हम आगोश करवा दिया जाए। लेटेस्ट कवि सम्मेलन और लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो अपने मेल पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट लॉगिन करनी पड़ेगी। हमारी वेबसाइट है www.mushairalive.com। जी हाँ, हमारा कॉन्टेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए, शफीक खान वक्त मीडिया के लिए।